हे गाइस वेलकम बैक यार, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए फ्रेश एपिसोड में फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स के। और गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो क्लॉक टावर का ब्लैक हाउस है इसमें आप किस तरीके से रश कर सकते हो, मतलब किस तरीके से आपको रश करना चाहिए एक अच्छे तरीके से, बिल्कुल एक प्रो लेवल का रश, ताकि आपको उल्टे सीधे हेडशॉट ना लग जाए जीने से भगते हुए। अधिकतर बार होता है कि हमें हेडशॉट लग जाते हैं, तो उन सब से बचने के लिए, लैंडमाइन से बचने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से रश करना है। सो गाइस इसमें रश करने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो, एक तो जब आपके पास ग्लू वॉल हो तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उससे बहुत ही आराम से प्यारे तरीके से रश कर सकते हो और आराम से बंदे को किल कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है भाई, उसमें जब आपके पास मानो वॉल नहीं है, आपको नहीं मिली कहीं से ग्लू वॉल, नहीं मिले ग्रेनेड, तो कैसे रश करें। तो ये दोनों तरीके से आप किस तरीके से रश कर सकते हो ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आपने इससे पहले वाले दो पार्ट नहीं देखे हैं जिनमें मैंने एक डबल डोर में रश सिखाया था और एक जो बड़ा वाला पीक का घर है जिसमें बहुत ज्यादा खिड़कियां हैं, सो अगर आपने उन दोनों में से कोई सा वीडियो नहीं देखा है तो इधर या इधर इन आँखों की मस्ती, कहीं ना कहीं तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल ही जाएगा, तो वो दोनों वीडियो पे आप चेक कर सकते हो। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो भाई। आज का एम है गाइस 20,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दो भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज में। आप देखो, मैं इधर मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इधर से एक बंदा आ गया भाई, मेरे को पहले उसको निपटाना पड़ा, फिर रिकॉर्ड करते करते बीच में सेफ जोन आ गया, मेरे को सेफ जोन के अंदर जाके वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा है। सो इस तरह के वीडियो में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, तो इसे लाइक करना मत भूलना। अगर आपके किसी फ्रेंड की वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है तो क्या सोच रहे हो भाई, अभी के अभी शेयर करो। तो बस यार, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस मेरा नाम है डेथ रेडर, आप देख रहे हैं डेथ रेडर गेमिंग, आइए करते हैं गेमिंग। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री कहां से करनी है। अगर आपने पहले वाले दो वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मतलब मैंने ये भी बताया कि आपको किस गेट से एंट्री करनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट इस वाले केस में गाइस ऐसा कुछ नहीं, आप जिधर से चाहो उधर से एंट्री ले सकते हो, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इधर ये जो लंबी वाली सीढ़ है इधर की साइड से जाते हो तो ना आपको ऊपर से हेडशॉट लगने का खतरा रहता है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से अवॉइड करो जाना, यहाँ से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है हेडशॉट का। इधर सीधा सामने से जाओगे तो भी भाई आपको मतलब बहुत शॉट्स पड़ सकते हैं। जो मैं बेस्ट तरीका अपनाता हूँ वो है भाई इसके साइड से इधर वाली सीढ़ियों से आना और उसके बाद बैठ बैठ के दीवार के साइड से जाना। और ये सबसे पहले ध्यान रखना भाई, इस ऑयल बैरल को ज़रूर फोड़ देना। अब इस ऑयल बैरल को फोड़ने के बाद दिक्कत है, अगर आप चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि बंदा इधर वाले स्टेयर्स पे बैठा होता है, तो अगर वहाँ बैठा है तो आप यहाँ से भी उसको हेडशॉट ले सकते हो या फिर उसको डैमेज दे सकते हो। अगर यहाँ से कुछ बात नहीं बनती, आपको बंदा नहीं पता कहाँ है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको घर के अंदर जाना है। अब घर के अंदर जाने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि आपको तो सारे लैंडमाइंस का ध्यान रखना है, कहाँ लैंडमाइन है कहाँ नहीं है। ऊपर की साइड अगर छत के मतलब फर्स्ट फ्लोर पर लैंडमाइन लगे हो तो उन्हें कैसे डिफ्यूज करना है, तो पहले तो ये कुछ था नहीं ऐसा जब मैंने पहले वाले वीडियोस बनाए थे, बट अभी क्या हिसाब किताब है कि आप लैंडमाइंस को गाइस डिफ्यूज कर सकते हो। तो जैसे छत के ऊपर लैंडमाइन लगी है, मतलब इस वाले फ्लोर पे लैंडमाइन लगी है, तो आप इधर की साइड से जंप करते रहो तो वो जो लैंडमाइन है वो डिफ्यूज हो जाएगी। तो आपको सारी तरफ चारों तरफ अच्छे से जंप कर लो, पूरी संतुष्टि कर लो कि सारी लैंडमाइन अच्छे से डिफ्यूज हो जाए। तो जब सारी गाइस लैंडमाइन डिफ्यूज हो जाए तो अब आता है हमारा मेन काम। तो सबसे पहला केस लेके चलते हैं, मानो हमारे पास ग्लू होल है। अभी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे आप रश कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो कि आप दोनों जो इधर वाले कमरे हैं इन दोनों में ग्रेनेड डाल के चेक कर सकते हो। तो उससे क्या फायदा होगा, ग्रेनेड के मतलब जब ग्रेनेड गिरेगा तो बंदा डर के मारे इधर उधर भागेगा, तो आपको उसकी पोजीशन लीक हो जाएगी कि या इस वाले रूम में या इस वाले रूम में, मतलब ये आपको पता चल जाएगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बंदा है तो वो क्या करेगा कि वो ग्रेनेड से बचने के लिए वो जो है मतलब क्राउच करके, यानी कि घुटनों पर बैठ के चलेगा, उससे क्या होगा आपको आवाज़ नहीं आएगी, तो वो बहुत डिफिकल्ट केस हो जाता है। बट अधिकतर ऐसा होता नहीं है, अगर आपने ग्रेनेड सही थ्रो किया है तो बंदा भाग के ही मतलब रनिंग करके ही सीधा इधर उधर बचने की उससे कोशिश करता है, और ऐसे में हमें पता चल जाता है कि बंदा इस रूम में, तो रश करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चलिए गाइस हमने अब मतलब ग्रेनेड्स वगैरह डाल लिया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा बंदा इधर है किधर। तो अगर आप हाई क्वालिटी हेडफोन से खेल रहे हो, मतलब आपके पास अच्छे से हेडफोन है या अच्छी सी लीड भी है ना, तो भी आपको पता चल जाएगा, जो लीड स्टीरियो सपोर्ट करती हो, स्टीरियो साउंड, तो आपको पता चल जाएगा कि बंदा इस वाले रूम में जब भी वो इधर उधर चलेगा। बट इनकेस बंदा बैठा हुआ आपको नहीं पता चल रहा, तो आप क्या सपोज करके चलो कि बंदा या तो इधर हो सकता है या इधर, मतलब आप दोनों केस के लिए सावधान रहो। तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या, आपको जो ग्लू वॉल है वो बिल्कुल इस वाले गेट के जस्ट ऊपर की साइड देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा देनी है। सो इससे क्या होगा कि भाई ये वाला रास्ता तो आपका हो गया ब्लॉक, तो मतलब आप ऊपर वाले फ्लोर पे आराम से जा सकते हो, यहाँ से तो फायरिंग होने नहीं वाली। इस तरीके से जो इधर वाला रूम है यहाँ पे आप देख लो मैं किस पोजीशन पे लगा रहा हूँ, इस पोजीशन को थोड़ा सा मतलब माइंड में याद कर लो, आप भी इसी पोजीशन पे ग्लू वॉल लगाना। तो ये देखो मैंने दूसरी जो वॉल है वो गाइस यहाँ लगा दी, तो अब मैंने क्या किया उसके दोनों रास्ते ब्लॉक। अगर वो इस वाले रूम में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस रूम में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर आ गया। मतलब अब क्या हुआ कि वो बंदा और मैं दोनों सेम फ्लोर पे हैं, तो यानी कि पहले क्या खतरा था कि मैं जब सीधा रश करता तो वो मुझे इधर स्टेयर्स के साइड से निकल के हेडशॉट मार सकता था, बट अब ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब हम दोनों सेम फ्लोर पे हैं, तो मतलब वो वाले हेडशॉट से तो हम बच गए।
अब बात आती है गाइज आपके फाइटिंग स्किल्स के ऊपर, तो जितने अच्छे आपके क्लोज रेंज के फाइटिंग स्किल्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अब घर में घुस गए तो आप उसे मार ही दोगे, क्या पता जो बंदा है उसके पास शॉट गन हो, वो आपसे अच्छा खिलाड़ी हो, उसके स्किल्स थोड़े से बेटर हो शॉर्ट रेंज में, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आपके फाइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली ऊपर जाओ, जिस तरीके से मैंने बताया रश करो, और इन दोनों में से किसी एक कमरे से उसे बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जब ग्लू वॉल लगेंगे तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि बंदा थोड़ा भी मतलब इधर उधर मूव करेगा आपको पोजीशन उसकी लीक हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, अगर बंदा इधर वाले रूम में है तो आपको इधर वाले रूम की वॉल तोड़ के इसके साइड में जाके छुप जाना है, बट अगर बंदा सामने वाले रूम में है तो आपको क्या करना है कि ये वाली जो वॉल है इसको तोड़ने के बाद आप यहाँ पे कवर ले लो और निकल निकल के इस तरीके से आप मार सकते हो। बट बात करते हैं गाइस इससे भी ज़्यादा रेयर केस की कि जब वो इस ये जो इधर वाला रूम है इसके अंदर वाले कमरे में हो तो आपको किस तरीके से जाना चाहिए, मैं आपको सही ट्रिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई इधर स्टेयर्स के साइड में आ जाओ, उसके बाद धीरे धीरे इस वाले डोर के पास आओ और उसके बाद सीधा आप अंदर रश कर सकते हो। तो लैंडमाइन का तो आपको डर होगा नहीं क्योंकि आपने पहले ही सारे लैंडमाइन डिफ्यूज कर रखे हैं, बट इस बात का ध्यान रखना कि जब आप छत पे आ चुके हो उसके बाद भी वो लैंडमाइन लगा सकता है, तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना। और उसके बाद नहीं तो सीधा आप इधर से रूम में आके सीधा रश कर सकते हो और उसे आराम से मार सकते हो। अब बात करते हैं इसके बाद अगर बंदा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर तो आपको क्या करना है, तो जैसे हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए किया सेकंड फ्लोर के लिए भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर बंदा ऊपर की साइड है मतलब सेकंड फ्लोर पे, तो आपको इस गेट के ऊपर से यहाँ पर एक वॉल डालनी है, तो उससे क्या होगा कि ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो अगर बंदा उस रूम से तो वो आपको डायरेक्ट नहीं मार पाएगा, आप आराम से ऊपर आ सकते हो। इनकेस अगर बंदा इस वाले रूम में है तो आप इधर की साइड वॉल लगाओ, और अगर आपको पता ही नहीं कि बंदा किधर की साइड है तो दोनों गेट पे वॉल लगाओ। तो मतलब टोटल अगर आपको इस घर में प्रॉपर तरीके से रश करना है तो आपको लगभग 4 ग्लू वॉल के करीब लगेंगे। वैसे 2 ग्लू वॉल में भी काम हो जाता है, काम तो कैसे 1 ग्लू वॉल में भी हो जाता है अगर आपको पता चल जाए कि बंदा है किस रूम में। नहीं पता चलता कि बंदा है कहाँ तो आपके 4 वॉल मतलब वेस्ट होने वाले हैं, बट वेस्ट नहीं होने वाले, बंदे को मारोगे तो उससे वॉल उठा लेना। तो अब आप फिर से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए, अब आपको क्या करना है वही सेम, अगर बंदा इधर है तो इधर चले जाओ, इधर है तो इधर चले जाओ। सो गाइस अब बात कर लेते हैं, मान लो हमारे पास वॉल्स ही नहीं है या फिर है तो एक है दो वॉल है, तो उसके बाद हमें किस तरीके से रश करना है। सो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर जो है एल्गोरिदम या स्टेप्स बनाए कि आपको किस तरीके से कहाँ कैसे जाना है तो आप कम से कम हेडशॉट खाओगे और आसानी से थोड़ा बच पाओगे। तो देखो सबसे पहली चीज़, अगर बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है भाई जो स्टेयर्स के पास वाली जगह, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है फिर रश करना। बट सपोज वो थोड़ा सा ऐसे साइड होके खड़ा है इस रूम में या अलग रूम में, तो आपके लिए रश करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। पहले तो सारे लैंडमाइन डिफ्यूज कर दो, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पीछे हाथ में पैन लो और गन पिचर को सीधी एक दौड़ लगानी है, और इस वाले रूम में राइट हैंड वाले रूम में सीधा घुस के ये वाला जो सोफा है भाई इसके पीछे आके बैठ जाओ। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी आपको, प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी कि मतलब एकदम से इसमें जाना और जाके सीधा वहीं जाके बैठ जाना, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। धीरे धीरे कस्टम रूम्स में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस से आप इसके बाद इसके पीछे आके छुप जाओगे। तो अगर बंदा सामने है तो आप उसे आराम से मार सकते हो, या फिर यहाँ खड़ा हुआ है तो भी आराम से मार सकते हो, बस आपको क्या करना है मारना है और बैठ जाना है, मारना और बैठ जाना मतलब कम से कम डैमेज लेना है। बट फिर से वही केस भाई, इस रूम में नहीं निकला बंदा तो सामने वाले रूम में, तो क्या करना है, अगर बंदा सामने वाले रूम में है गाइस तो आप क्या कर सकते हो कि फिर तो मतलब आसान सी बात होगी, एक रूम में बंदा एक रूम में आप हो तो दोनों के पास सेम लेवल है, मतलब हाइट का भी कोई आपको टेंशन है नहीं कि मेरे को हेडशॉट लग जाएगा, तो आप यहाँ से कवर ले लेके मार सकते हो। अगर आपको सीधा उसमें जैसे मैंने बताया था रश करना है, तो वही सेम टेक्निक है, आपको स्टेयर्स के पास जाना है, फिर उसके बाद इधर से इस वाले रूम के इस कोने के पास जाना है और अंदर सीधा आप रश कर सकते हो। लैंडमाइन का हमेशा आपको ध्यान रखना है, तो इस तरीके से आप इस वाले पे उस पर रश कर सकते हो। बात करते हैं कि अब बंदा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, वॉल्स भी सारे खत्म हो गए, आप कैसे रश करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये आप यहाँ पे आके अगर इस तरीके से खड़े हो जाते हो ना ये जो स्टेयर्स के पास, तो आप आराम से देख पाओगे कि बंदा किधर है। मोस्टली केसेस में गाइस क्या होता है कि सब बंदे गेट से बिल्कुल मिलके खड़े होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये है, उसकी या तो गन दिख जाती है, पैर दिख जाते हैं, पता चल ही जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि बंदे कैंप ही कर रहे होते हैं, मतलब सीरियसली वो अंदर बिल्कुल एक कोने में बैठे होते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि किधर है बंदा। तो उस केस में हमें क्या करना है, हम अज्यूम करके चलते हैं कि बंदा किधर भी हो सकता है, तो हमें क्या करना है, हाथ में वही सेम पैन लो और सीधा भाग के ये जो छोटी सी जगह है ना इसके बीच में आके छुप जाओ। अब क्या होगा, जैसे ही आपको बंदा देखेगा कि आप ऊपर आओ, वो डेफिनेटली आप पे एक दो शॉट मारेगा, बट आप क्योंकि कवर में आओगे आप पे मुश्किल से एक दो शॉट ही लगेंगे, मतलब आपको ज़्यादा डैमेज आने नहीं वाला। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अगर बंदा इधर है तो इधर मारते मारते कवर लो, मारते मारते कवर लो, और या फिर अगर ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए, आपकी हेल्थ ज़्यादा डाउन हो, तो पीछे वाले रूम में निकल लो, आपको बेस्ट कवर मिलेगा, फिर जब बंदा भगा भगाए तो आप उसे आराम से मार सकते हो। या फिर अगर अपोजिट केस बंदा इस वाले रूम में, तो आपको क्या करना है, पैन लेके इधर वाले रूम में भाग जाना है, और जैसे ही बंदा इधर को रश करता है तो आप फिर से वही कवर ले लेके मार सकते हो, या फिर उस वाले रूम में जाने के बाद आप इजीली उसे किल कर सकते हो। देखो गाइस मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर वे और तरीके बताए जिससे आप अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रो लेवल के तरीके से रश कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रेनेड्स और वॉल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको रश करने में, बट एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस, एक जो प्रो प्लेयर होता है वो हमेशा इस बात को जानता है कि जो बैकआउट करना है, फॉल बैक करना कितना ज़रूरी है। जो भाई आपने एक वो मुहावरा कहावत जो भी है वो सुनी होगी या ये लाइन सुनी होगी, शेर जब दो कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए ना ही डर के, समझे ना। तो इसमें कोई गाइस मतलब डरपोकता की या बेइज्जती की बात नहीं है कि आपको पता चला बंदा वहाँ पे है
और आपको कि मतलब अब देख लिया बंदा तो आपको रश करना है भाई। अगर देखो उसके पास शॉर्ट गन है, आपके पास कोई M4A1 या UMP जैसी गन है तो मत करो रश, सिंपली भाई पीछे की साइड चले जाओ, क्योंकि समझदारी से खेलो भाई। मूर्खता के साथ खेलने का कोई फायदा नहीं है। बहुत से आपके बंदे होंगे जो मतलब फ्रेंड्स होंगे बेसिकली, जो आपको कहते होंगे कि जाना रश मार भाई, क्या डर रहा है, और जाने के बाद जैसे ही आप उस घर में रश करते हो शॉर्ट गन से बंदा आपको मार देता होगा, तो फिर वही दोस्त फिर आपको ये कहते होंगे अबे जानू बड़े मर गया तू। तो ऐसी बातों को इग्नोर करो, समझदारी से खेलो। अगर आपको पता चल रहा है कि सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है, वो बहुत सही स्ट्रॉन्ग पोजीशन से खेल रहा है, तो भाई मत करो रश, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद उससे मुकाबला करो। तो थोड़ा समझदारी से भी खेला करो, और जितना हो सके अपने जो शॉर्ट रेंज के स्किल्स हैं इन्हें इंप्रूव करो। इन्हें इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कस्टम रूम खेलो भाई, इससे बहुत ज़्यादा स्किल्स इंप्रूव होंगे आपके। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिक खेल के रश करो, क्योंकि अगर क्लासिक खेलोगे तो आपको पॉइंट कटने का भी कोई डर नहीं रहेगा। सो आई होप यार गाइज आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको इस वीडियो को लाइक करना गाइज। आज का लाइक है मैं 20,000 का। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो भाई क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी उसको शेयर करो, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर कर दो। हो सकता है वीडियो आपके ना सही किसी और के बहुत ज़्यादा काम आ जाए। और अगर आपको इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट देखना पसंद है, रशिंग वीडियोज़ या फिर प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरह के वीडियोस, तो आप जाओ चैनल विजिट करो, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।